वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी कैरेट राइस खीर। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज बनाऊंगी कैरेट और राइस का खीर। तो इसके लिए आधा कप राइस पहले से ही भिगो के रखा और एक कप गाजर लिया, ग्रेट करके रखा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कढ़ाई में आधा चम्मच घी ले लिया, उसमें ऐड करूंगी जो पहले से ही भिगो के रखा था राइस को, और अच्छी तरह से राइस को फ्राई कर लूंगी। जैसे राइस हल्का सा फ्राई हो जाएगा ऐसे मिल्क ऐड कर देती हूँ और बॉयल होने के लिए रख देती हूँ। मिल्क में राइस को बॉयल होने के लिए रख दिया। जब तक राइस कुक होता है तब तक नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। एक पैन ले लिया, उसमें एक चम्मच घी ऐड कर दिया। घी पहले मेल्ट कर लेती हूँ। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया, काजू, आलमंड और किशमिश को घी में फ्राई कर लेती हूँ। लो फ्लेम में ही फ्राई करने का, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। जैसे ही बादाम और काजू फ्राई हो गया ऐसे किशमिश भी ऐड कर दिया और एक दो मिनट किशमिश को भी फ्राई कर लेती हूँ। देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गया। अब प्लेट में निकल लेती हूँ। अब सेम घी में जो कैरेट व गाजर को ग्रेट करके रखा था कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और सॉफ्ट होने तक कुक कर लेती हूँ। देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से गाजर व कैरेट को सॉफ्ट कर लिया घी में फ्राई करके। अभी जो खीर बना रहे थे राइस में, दूध में राइस को बॉयल होने के लिए रख दिया था। देख सकते हैं आधा पक गया। तो इस टाइम ऐड करूँगी जो पहले से ही घी में फ्राई करके रखा कैरेट को। और खीर में मिक्स कर दूंगी। और 10 मिनट अच्छी तरह से पका लूंगी। देख ही सकते हैं अच्छी तरह से कुक्ड हो गया। अभी ऐड करूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर व आधा कप शुगर मैं ऐड किया और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। साथ में फ्लेवर के लिए ऐड करूंगी इलायची पाउडर। कैरेट और राइस का खीर बनके रेडी हो गया। अभी जो ड्राई फ्रूट्स पहले से फ्राई करके रखा था वो सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी।
कैरेट और राइस का खीर बन के रेडी हो गया सर्व करने के लिए। देख ही सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी हेल्दी राइट कैरेट खीर बन के रेडी हो गया। हेल्दी टेस्टी कैरेट राइस खीर बन के रेडी हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग के एक्सपीरियंस में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।